आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बिजुला शर्मा गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गांधीनगर में चौथे वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में शिरकत की। सीएम बिजुला शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी आई हैं सामने मुलाकात के दौरान की। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री गुजरात में, दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री भी जब गुजरात पहुंचे तो दोनों के बीच मुलाकात हुई, शिष्टाचार भेंट चली। और इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू के साथ भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई। और देख सकते हैं मुस्कुराहट सीएम बिजुला शर्मा के चेहरे पर। रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा यह कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में विकास और ऊर्जा के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को तलाशते हुए इस रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े कार्यक्रम का महत्व और बढ़ जाता है। और खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री बिजुला शर्मा इस कार्यक्रम में पहुंचे और उसका हिस्सा बने। और कार्यक्रम में यही चर्चा की गई कि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को किस तरह से आगे बढ़ाए, क्योंकि जब विकसित राजस्थान की बात करते हैं तो फिर हर क्षेत्र में राजस्थान को आगे ले जाने की बात है, चाहे चिकित्सा, शिक्षा, ऊर्जा का क्षेत्र हो, पर्यटन क्षेत्र हो या फिर अन्य क्षेत्र। और इसके बाद जब मुलाकात गुजरात के गांधीनगर में हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिवसीय गुजरात यात्रा पर है, वहां उन्होंने 8,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम में शिरकत की और पहुंचे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी। आगे उनका अलवर का भी कार्यक्रम है, लेकिन ये गांधीनगर से तस्वीरें। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, सीएम और पीएम एक तस्वीरों में, दोनों ही एक ही राज्य में, अब बताइएगा मुलाकात जो रही और जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा कार्यक्रम रहा कितना महत्वपूर्ण? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार्यक्रम में है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कार्यक्रम एक विश्व स्तरीय कार्यक्रम होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ आए हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में भारत को किस तरीके से काम करना है ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हो गई है और एक दिन पहले अमित शाह से मुलाकात हुई थी। अमित शाह से और प्रधानमंत्री मोदी से, दोनों से मुलाकात हुई। हालांकि अमित शाह वाली मुलाकात है वो राजनीतिक दृष्टि से या राजस्थान के विकास की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से मुख्यमंत्री के लिए लाभकारी हो सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात है वो सामान्य शिष्टाचार मुलाकात है। जिस परिप्रेक्ष्य में बातचीत की जानी थी वो हो सकता है कि आगामी दिनों में वो बातचीत हो। और दूसरी बात ये कि आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत का राजस्थान प्रवास है, जयपुर प्रांत का प्रवास है, और उस प्रवास के मद्देनजर वो अभी अलवर में है और उनसे मुलाकात के सिलसिले से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर बाद अलवर में पहुंचेंगे, ऐसा उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। हालांकि उनसे मुलाकात का कोई कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन सामान्य तौर पर लोगों में चर्चा यही है कि आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ऐश्वर्य बने रहेगा हमारे साथ।